उस 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार। Oh,
धन्यवाद दिँदै अब चाहिँ आज हाम्रो तातोपानीदेखि जुम्ला बजारसम्मको हाम्रो यात्रा चाहिँ सकिएको छ। आजको पाठ चाहिँ सकिएको छ। अर्को फेरि यस्तै भन्दा पनि योभन्दा पनि रमाइलो भाग लिएर तपाईँहरूसँग आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी